रेप की बड़ी घटनाएं जो होती हैं उसका जो इतना प्रचार होता है कि इस समय रेप बढ़ गए हैं, रेप बढ़े नहीं है, पहले भी होते थे आज भी होते हैं, चिंता बड़ी है। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि घटनाएं जो है रेप की है, छेड़खानी की है, ये 80 से 90% जानकारों के बीच में होती है, एक दूसरे को जानते हैं। बहुत घटनाएं तो ऐसी होती है काफी समय तक इकट्ठे घूमते रहते हैं और एक दिन थोड़ी अड़बड़ हो गई, उस दिन उठा करके और एफआईआर करा देते हैं, क्या इसने मुझे रेप किया, इसने मुझे छेड़ा। ये नहीं है कि बलात्कार के 80-90% मामले दरअसल खटपट के होती हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि आप जैसा सोचने वाले शख्स को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि पर जाट एजिटेशन के दौरान बलात्कार की बातें आई थी, मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने वहां पर पूरा लग करके उन सारे बलात्कार के मसलों को दबाने की कोशिश की थी, बाद में कोर्ट के आदेश से कोर्ट ने पाया ही इसमें प्राइमा फेसी लगता है कि बलात्कार हुआ है और इन मामलों में केस चलना चाहिए, ये सब में होना चाहिए, बिना सहमति कर के आपने अगर किसी को हाथ लगाया है तब तो वो यौन उत्पीड़न और बलात्कार ही माना जाएगा। राज्य के चीफ मिनिस्टर इसका इस तरह का बयान दे रहे हैं तो वो हमारे देश की महिलाओं को, लड़कियों को डिमोरलाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एमएल खट्टर एक बहुत ही शर्मनाक आदमी है, उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो मुख्यमंत्री के पद पे बने रहे। जिस स्टेट में इतने ज्यादा बलात्कार होते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री इतना भद्दा ज्ञान देते हैं, ऐसे आदमी को तो प्रधानमंत्री जी को, अगर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेके सीरियस हैं, तुरंत मुख्यमंत्री पद से निकाल देना चाहिए। और मैं देश की महिलाओं से अपील करूंगी कि इस आदमी के मुंह पे कालिख मलकर इसको सड़क पे घुमाइए, उसको चप्पलों से पिटाइए।